उड़ने वाली पतंग लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, वो भी तब जब वो पतंग आसमान से नीचे आ जाए। ऐसा ही मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद से सामने आया, जहां एक व्यक्ति चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की माने तो चाइनीज मांझे से उमेश गुप्ता की गर्दन काफी गहराई तक कटी थी। समय रहते उन्हें अस्पताल लाया गया, जिसके बाद उनका ट्रीटमेंट दिया गया। दरअसल मामला कविनगर थाना इलाके का है, जहां पर किसी काम से आए कंपनी में कार्यरत दिल्ली निवासी उमेश गुप्ता की गर्दन पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कट गई। गनीमत रही कि उमेश गुप्ता की जान बच गई। उमेश गुप्ता ने बताया कि वो कंपनी के काम से गाजियाबाद आए थे और कविनगर थाना इलाके के फ्लाईओवर पर जब वो बाइक से जा रहे थे, तभी चाइनीज मांझा उनकी गर्दन से लिपट गया और उनकी गर्दन कट गई। इतना बड़ा फेरीवे रोड, पूरा बड़ा रोड है, उसके बावजूद भी उसमें इतना लंबा मांझा कि कैसे आदमी की सीधी क्यों नुकसान हो सकती है दूसरे आदमी। कोशिश तो की मैंने खुद ही हॉस्पिटल छोड़ता हूँ, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाया था। मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी। फिर कुछ मुझे लेके जो लोग इस तरह के मांझे बेचते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सर गाइडलाइन पहले ही है कि मांझे बैन होने चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। इस क्या सर आपने कोई कंप्लेंट फाइल करी? अभी तो कोई कंप्लेंट फाइल हुई नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं भी इसमें ज्वाइन होऊंगा, अगर कुछ कंप्लेंट होती है तो मैं भी इसमें। यहाँ पास में एक पुल है, वहाँ पर मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ जाना था, तो सडनली कोई वहाँ पर पतंग उड़ाते उड़ाते उसके मांझा, जो पतंग का 40 मांझा था, वो उसकी गर्दन पर काफ़ी डीपली लिपट गया। वो लगभग 6 से 7-8 सेंटीमीटर करीब लंबा है और आधा सेंटीमीटर करीब गहरा। उसकी वजह से उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। वो पेशेंट लगभग 7 बजे करीब हमारे हॉस्पिटल में आया, उसके बाद उसको ब्लीडिंग हुई, उसका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। रात में उसका ऑपरेशन कर दिया गया, पेशेंट अब स्टेबल है और हमारे हॉस्पिटल की ICU में एडमिट है। गौरतलब है कि हर साल चाइनीज मांझे की वजह से गर्दन कटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चाइनीज मांझा मार्केट में आसानी से बेचा जाता है। प्रशासन भी चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, लिहाजा इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं।